बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हब। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक हैं जी व्यूअर्स? आज ब्यूटी हब में मैं बड़ी कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए। जी आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो टू इंग्रीडियंट्स पर मुश्तमिल है। बहुत लंबी चौड़ी रेमेडी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि आप खुद इसको इस्तेमाल करके मज़ा आएगा, क्योंकि इस रेमेडी में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के फेस पैक्स कह लें या फेस मास्क कह लें वो आपको बता के बताऊँगी, ठीक है? और ये बड़ी जल्दी बनेंगे और डिफरेंट टाइप्स के बताऊंगी, इसमें से आपको जो भी सूटेबल होगा आपकी स्किन के लिए आप उसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं बनाकर, ठीक है? ये जो हर मास्क या फेस पैक होगा ये टू इंग्रीडियंट्स पर मुश्तमिल होगा, सिर्फ दो चीज़ों से बनेगा, क्योंकि आजकल बाज़ार में फ्रूट बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। तो आज की मेरी जो रेमेडी है वो फ्रूट के हवाले से होगी, ज़्यादातर फ्रूट के हवाले से होगी, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। आप जैसे कि आपको पता है, बल्कि हर इंसान को पता होता है कि जो फ्रूट वेजिटेबल होते हैं वो ना सिर्फ खाने में इनका फ़ायदा होता है, उसी तरह इनकी स्किन के ऊपर लगाने के भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आजकल का जो वेदर है उसमें अगर आप बाजारी क्रीम से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें आप घरेलू छोटे छोटे ये टिप्स बना के अपनी स्किन पर अप्लाई करें, बिलीव करें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो ये जो पैक्स होते हैं ये स्किन को फ्रेश रखते हैं, यंग रखते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर इनके जो होते हैं ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि क्रीम अप्लाई करने पे लोगों को होता है कि हमारी स्किन ख़राब हो जाए, और गर्मी में तो चूँकि वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से स्किन अक्सर लोगों की जल जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है। सो इन पैक्स से आपको घर बैठे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं खुद इन चीज़ों को अप्लाई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बेदाग है, जैसे कि आपको मेरे हाथों से भी पता लग रहा होगा। इसी तरह मेरे फेस की स्किन है, मेरी स्किन पर कोई पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे स्किन पर कोई एक्नी नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि मैं ये घरेलू जो होती हैं छोटी छोटी टिप्स ये अप्लाई करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं इनको बनाकर अप्लाई करती हूँ। और आज मैं जो लेकर आई हूँ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि वो टू इंग्रीडियंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है? बस आज मैं आपको इसके फ़ायदे इसीलिए पहले बता दूँ कि वीडियो के बीच में मैं आपको बोल के नहीं बताऊँगी, मैं आपको जस्ट ये बनाती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी किस किस से बनते हैं। रेमेडी शुरू करने से पहले छोटी सी बात, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी रेमेडी लाने की कोशिश करती हूँ।
जी भाई, तो कैसी लगी मेरी आज की रेमेडी? उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी और डिफरेंट रेमेडी के साथ फिर आऊंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में अपने साथ दूसरों को भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।